हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई हो अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और सुबह का अभी कितना टाइम है? 8:30 हो गया और अभी मैं रामगढ़ में हूँ। 6:30 बजे बोकारो से चढ़ी थी और मैं साहब ने दोबारा बुट्टा खाइएगा। ये टाइम हुआ है तो मतलब 1 मंथ के बाद बुलाए थे। जा रही हूँ, मेरा बेटा यहाँ भी कुछ सीख रहा है, हम लोग माँ के लगा है। मेरा भाई उधर जाएगा क्योंकि मेरा घर ग्रह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मैं यही बच्चा को पढ़ाने के वजह से मैं बोकारो में रहती हूँ, तो उधर से मेरा भाई आएगा। तो भाई के तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं है कैमरा के सामने होने से, इसके चलते आप लोग ये पूरा मत मानिएगा, मत आप लोग उल्टा पुलटा मत सोचिएगा। क्योंकि आप लोग को तो पता है मेरे हस्बैंड को डिपार्टमेंट में उनको छुट्टी उतना नहीं मिलता है, अगर छुट्टी भी नहीं है। वो 1 मंथ पहले ही गए हैं, मतलब हम यहाँ आए थे बीच में 8 दिन पहले ही चल गए थे। वो आए थे 2-4 दिन के छुट्टी में, जो कुछ काम से होते खा नहीं पाए थे। तो आप लोग नहीं रहेंगे यहाँ से, बहुत दूर हो गया और बने रहिए जो भी हैं आप लोग को दिखाते हैं। तो अभी मुझे कुछ नाश्ता वास्ता नहीं चाहिए है, और हम नाश्ता कुछ करेंगे भी नहीं, इसके लिए कुछ ले देंगे इसको, कुछ घर पे भी खिला पिला के चले थे। क्योंकि इसके चलते कि मान लीजिए डॉक्टर का ना हो, फर्स्ट में तो खैर नहीं जाँच देखे थे, मैं बोकारो में देखा कि वही जाँच करो देखे थे, लेकिन लिखेंगे उठेंगे कि क्या करेंगे। इसके चलते मैं नहीं कुछ खा रही हूँ, वहाँ जाने के बाद दिखाने के बाद अब क्या होता है, तब उसके बाद कुछ खाऊंगी, ब्रेकफास्ट करूँगी। ठीक है, शर्म लगता है जब मैं वहाँ तो नहीं ब्लॉग शूट कर पाई थी। मैं सोची कि थोड़ा सा बस रुकी है रामगढ़ में, तो अपना फ्रेंड्स लोग को अपना यूट्यूब फैमिली को देखिए। फ्रेंड्स बस से तो उतर गए हैं लेकिन अभी रास्ते में जा रहे हैं, अभी थोड़ा सा लगेगा 5 मिनट। आप लोग बने रहिए, क्योंकि धूप भी है, बहुत गर्मी भी लग रहा है। चलिए दिखाते हैं, मिलते हैं बस फ्रेंड, सब पहुंच जाएंगे। बहुत देखिए धूप, कितना धूप है, छाया तरफ बहुत ज़्यादा धूप लग रहा है। और देखिए कितना लेट होता है, आने में भी 3 घंटा लगता है, जाने में भी 3 घंटा लगता है, उसके बाद हॉस्पिटल में बैठे रहिए यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगता है। देखते हैं, कुछ ब्रेकफास्ट भी नहीं किए हैं, भूख भी लग गई है। ये लग रहा है कि सोच रहे हैं कि शायद कुछ जांच उच ना लिखे, कभी कभी जैसे खाली पेट वाला लिख देते हैं, तो इसी के चलते थोड़ा सा ये लगता है कि क्योंकि नज़दीक नहीं है, दूर है, आना पड़ेगा फिर वहाँ से, तो इसी के चलते सोचे कि चलो थोड़ा सा हम ही सहन कर लेंगे क्योंकि दोबारा ना आना पड़े। बने रहिए, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स पहुंच गए हॉस्पिटल, आप लोग को दिख रहा है, देखिए कितना भीड़ है।
देख लीजिए बहुत सारा भीड़। चलिए चलते हैं, फिर बने रहिए, आप लोग को बाद में फिर मिलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सॉरी, और क्या बोलते हैं, नेक्स्ट डे हो गया और मैं कल बिल्कुल ब्लॉग वहाँ पर फिर मतलब नहीं शूट कर पाई, घर आने के बाद भी नहीं शूट कर पाई, क्योंकि वहाँ पर जैसे ना रांची गई थी तो फिर मैं तो आपसे बोली थी कि मेरा भाई उसमें कंफर्टेबल नहीं रहता है, वो बोलता है कि हमें ये सब अच्छा नहीं लगता है दीदी। तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पर ना ब्लॉग शूट नहीं कर पाई, वैसे भी फ्रेंड्स बहुत जल्दीबाजी था वहाँ से, क्योंकि ना मतलब हॉस्पिटल ऐसा है 12-13 दिन पहले नंबर लगाना है, नया जो पुर्जा का रहे चाहे पुराना का, यू मैंने आपको 12-13 दिन पहले लगाना ही है। तो वो भी बता दे रहे हैं आप लोग को जो इधर रांची तरफ से होंगे, चाहे इधर को तो उन लोग को पता होगा, चाहे गूगल में सर्च करने पर भी आता है, गुलमोहर हॉस्पिटल में मैं ऑर्थो डॉक्टर से दिखाई हूँ, जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं। तो क्या बोलते हैं वहाँ पर, और मेरा बेटा का ना आज 13 तारीख है, तो 13 को, हाँ 13 सॉरी नहीं नहीं आज मेरी 14 तारीख है सॉरी, तो आज एग्ज़ाम भी था उसका, तो शाम हो गया, हमें यहीं आने में 5:30 हो गया, 5:30 हो गया, तो उसके बाद शायद ज़्यादा ही हो गया होगा 5-10 मिनट, क्योंकि मैं वहाँ से फिर आई तो उसके बाद यहाँ से फिर मैम आई, क्योंकि आज एग्ज़ाम था इसके चलते ना मैम बोली कि नहीं कैसे छोड़ेंगे, आज उसका मैथ्स था तो इसी के चलते मैम ना आई शाम को पढ़ाने, उनको ज़्यादा टाइम भी हो गया था, तो इसी की वजह से वो जी मतलब हम वो रास्ते में मिल गई थी, मेरे साथ ही उधर से आई, तो इसके चलते फिर मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई जल्दी जल्दी में। फिर मम्मी मेरी उधर से कुछ सामान भी उसमें मतलब भेजी थी कुछ कुछ, उसको मैं रखने उखने में रह गई, और बिल्कुल इतना पूरा बैठे बैठे मतलब पूरा कमर में पैर में दर्द हो गया था कि क्या बताए, क्योंकि सुबह में ना दवा भी नहीं खा कर गई थी, आप लोग को तो मैं बताई थी, तो इसी की वजह से फिर आज भी ना अभी भी थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है, आज एग्ज़ाम था उसको जल्दी जल्दी उठे करके उसको भेजे, उसके बाद मैं सोची कि थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं उसके बाद। तो इसी के चलते फ्रेंड्स कल नहीं ब्लॉग शूट कर पाई, इसके लिए सॉरी। और आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और खूब सारा सपोर्ट कीजिए, फ्रेंड्स आप लोग बिल्कुल नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। और तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ फिर।